सागर कलेक्टर दीपक सिंह ने खुरई के ऑडिटोरियम में खुरई और मालथौन के सभी विभागों की समीक्षा बैठक ली, जिसमें खाद्य विभाग के अनाज वितरण सिस्टम के अलावा उनके हितग्राहियों की सूची में बड़ी खामियां भी पाई गई। तकरीबन 3 घंटे चली इस बैठक में विभागों के विभागाध्यक्ष और अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर दीपक सिंह ने एक एक कर सभी विभागों से उनके कामों के बारे में जानकारी ली और बताए गए आंकड़ों के मुताबिक उनसे जवाब मांगा गया। इस दौरान कुछ हद तक कमी पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी भी जताई है और ठीक से काम करने की सलाह दी। अपनी कार्यप्रणाली को लेकर खाद्य विभाग के अधिकारियों की कलेक्टर ने जमकर खिंचाई की। खुरई और मालथौन दोनों ब्लॉकों में पीडीएस का अनाज वितरण और हितग्राहियों की सूची में बड़ी खामियां पाई गई, जिसको लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्हें तुरंत बोगस हितग्राहियों के नाम काटने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से कुछ कार्यों और योजनाओं की गति धीमी रही, इसी को लेकर बैठक आयोजित हुई। उन्होंने कहा कि कुछ खामियां मिलने पर चेतावनी दी गई है, अगर काम में लापरवाही होगी तो कार्रवाई करेंगे। अभी विगत 4-5 महीने से, जब से कोरोना कोविड-19 वायरस का प्रभाव आया था, लॉकडाउन और दूसरे वजहों से कुछ कार्यक्रम और योजनाओं की गति धीमी हो गई थी। इसलिए आज हमने खुरई में ये जो बैठक की है, इसमें हमने खुरई सब डिवीज़न के सभी अधिकारियों को और इसके साथ कुछ महत्वपूर्ण विभाग के जो जिला अधिकारी हैं उनको बुलाया है और उनको सबको ये कहा है कि जो भी शासकीय योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन सही तरीके से हो। चूँकि ये पहली बैठक है, इसलिए हमने अभी अधिकारियों को जहां पर कमी पाई गई है उनको चेतावनी दी है काम बेहतर करने की, और आगे अगर हम को ये मिलता है समीक्षा में कि कोई विभागीय अधिकारी शासकीय कर्तव्य निर्वहन में अगर कोई लापरवाही बरत रहे हैं तो उनके खिलाफ़ हम कार्रवाई भी करेंगे। और ऐसे मनोज बाधवानी, सागर टीवी न्यूज़।